हेलो दोस्तों, एमएस एंगल आज हम बात करेंगे एमएस एंगल वेट कैसे किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी सिविल इंजीनियर सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन जोड़ी हर व्यक्ति। ओके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानकारी सिविल इंजीनियर आपको जरूरी होना चाहिए और जानने के लिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो बना रही है। नमस्कार दोस्त, मैं एचडीआर टेक्निकल गुरुजी अपने यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आगे आने वाला सभी वीडियो अपडेट होता रहेगा, आप चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन अपने मोबाइल मिलता रहता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करता है। हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ एमएस एंगल। एग्जांपल, 20 × 20 × 3, 25 × 25 × 3, 30 × 30 × 3, 40 × 40 × 3, 50 × 50 × 5, ये आपका एंगल का साइज है। हो गया एंगल का साइज 50 × 50। हम लोग आज बात करेगा 50 का कैसे वेट निकलता है। डेंसिटी ऑफ स्टील का, ये स्टील का 7850 केजी फॉर MQ, ये आपका स्टील का डेंसिटी होता है। अभी हम लोग का 50 का कैसे वेट निकलता है, ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी, ये आपका 5 थिकनेस, ये फास्ट फॉर्मूला बाय वॉल्यूम मेथड में इधर लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ ए। ए मतलब ये ए दे दिया इधर। एक है 50 × 5 × 6 मीटर, 6 एंगल का जनरल होता है, 6 मीटर होता है, ठीक है। अभी 50 × 5 × 1000 × 6, आप बोलेगा 1000 कहाँ से आया, ये जनरल होता है, आपका डेंसिटी होता है 1000 है, आपको ये नॉर्मल यूज करने का 1000 है। 50 का आपका 50 का एंगल है, 50 का एंगल 1 / 1000 × 5, 5 मतलब क्या है थिकनेस, 5 हो गया थिकनेस, डिवाइड 1000 × 6 मीटर, वो एंगल का साइज जनरल होता है 6 मीटर, ये 6 मीटर डाल दिया। इसका डिवाइड करने के बाद 0.05 × 5 / 1000, इसका डिवाइड करने के बाद 0.005 × 6, ये 6 मीटर हो गया आपका, 6 मीटर, ये आपका 6 मीटर। फिर इसका बाद ये 0.05 × 0.005 × 6, इसको इंटू करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.0015 मीटर क्यूब, मतलब MQ, ठीक है। अभी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बी, ये आपका बी हो गया, ठीक है। 45 क्या है, हम लोग यहाँ से एंगल का साइज ले लिया ऑलरेडी, आपका 50 कहाँ से, इधर से इधर तक हम लोग अभी ऑलरेडी ए ले लिया, मतलब ये हो गया आपका 50। चल ये हम लोग चला गया ऑलरेडी, इधर से चला गया, चल यहाँ से इधर तक कितना, ये 50 से कितना ये चला और 5 में निकल गया, मतलब 45 है, ठीक है दोस्तों, ये 45 है। चले बी का वॉल्यूम कैसे करने का ना, 45 × 5 थिकनेस हो गया × 6 मीटर, जनरल आपका एंगल का लेंथ होता है 6 मीटर, 45 × 1000 × 5 mm हो गया, 5 mm × 1000 × 6, जनरल 6 मीटर हो गया। इसको डिवाइड करने के बाद 0.045 × ये इसको 5 × 1000, इसको डिवाइड करने से आपका 0.005 हो गया × 6 हो गया, जनरल आपका 6 मीटर होता है आपका ये एंगल का लेंथ। अभी करो वॉल्यूम ऑफ एंगल क्या करने का, अभी 50 × 50 × 5, ए प्लस बी मतलब आपका ए इधर ए हो गया, ये बी हो गया। अभी क्या करने का, हम लोग ए निकाला पहले कितना निकाला था, इधर पहले कितना निकला था, 0.0015, ठीक है दोस्त, 0.0015 × बी का वॉल्यूम कितना निकला, अभी 0.00135, 0.00135 प्लस करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 0.00285। अभी फार्मूला कैसे यूज करेगा, फार्मूला वॉल्यूम ऑफ एंगल ऑफ इनटू डेंसिटी 0.00285, ये आपका जो निकला ए प्लस बी जो निकला वॉल्यूम का, ये आपका इधर 0.00285 × 7850, मैं आपको बताया था इधर से स्टील का डेंसिटी बहुत आपका ना 7850 पर केजी MQ होता है।
ये इधर यूज करने का, ठीक है, 7850 इंटू करना 22.37 के जी फॉर 6 मीटर का, ये 6 मीटर का निकल गया, ठीक है। अभी क्या करने का, फॉर 1 मीटर पहले 22.37 डिवाइड 6 मीटर, ये 6 मीटर निकाला, पहले हम लोग को 1 मीटर का चाहिए, इज इक्वल टू 3.70 के जी पर मीटर, ये 1 मीटर का निकल गया 3 के जी 72, 3.72 के जी। ये आपका फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला, एंगल का साइज हम लोग आज 50 का एंगल साइज निकाल रहा हूँ, 50 का फार्मूला। ये आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा फार्मूला, एंगल इंटू 2 माइनस थिकनेस इंटू थिकनेस इंटू 0.00785, ये आपका डेंसिटी का एंगल का डेंसिटी का, ये आपका फार्मूला इंटू लेंथ, ठीक है दोस्तों। अभी 50 का एंगल 50 दिया, इंटू 2 को 2 को डालने का, ये कॉमन चीज़ रखने का, माइनस थिकनेस कितना, 5 mm थिकनेस डिवाइड करने का, इंटू इधर कितना दिया थिकनेस 5 mm, इंटू डेंसिटी का कितना होता है, आपका फॉर्मूला क्या है, 0.00785 इंटू 6 मीटर, ये 6 मीटर आपका जनरल एंगल का लेंथ होता है 6 मीटर। अभी कैलकुलेशन करेगा कैसे निकला, आंसर निकल गया अभी 22.37 केजी, ये 6 मीटर का निकल गया, ये आपका 6 मीटर का है, ये 6 मीटर का। अभी फॉर 1 मीटर का हमको आंसर चाहिए, अभी 22.37 डिवाइड 6 मीटर इज इक्वल टू 3.72 के जी मीटर हो गया, ये 1 मीटर का हो गया 3 के जी और 72। फर्स्ट फार्मूला में कितना आया था आपका, फर्स्ट फार्मूला में 3.72 के जी, सेकेंड फार्मूला आपका आया 3.72 के। फ्रेंड्स दोनों फार्मूला सेम आ रहे, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला आप यूज करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा से वीडियो समझ गया होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।